मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। मैं इन सबको अब से नहीं पहले से भी कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियंस का काम होता है सबसे बात करके अपने मौकफ के इर्द गिर्द लाना या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? सियासतदानों से बात हो सकती है लेकिन चोरों से नहीं। मुल्क की खातिर सबको माफ कर सकता हूँ, कातिलाना हमला करने वालों को भी, लेकिन रियासत का पैसा लूटने वालों से समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बड़ापन, कहा एनआरओ लेकर हुकूमत में आने वालों ने मुईशत बर्बाद कर दी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दे। मैं आगाज कर रहा हूँ अपनी इलेक्शन कैंपेन का, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं अपना पहला जलसा कर रहा हूँ। टिकट्स का मैं आपको ये बता दूँ कि इस बार मैं खुद टिकट्स दे रहा हूँ। जिन जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे, पंजाब में हमने सीधा बल्दियाती इलेक्शन करवा देना, तो इंशाल्लाह हम उनको वहाँ अकोमोडेट कर दें। इंतखाबात ही तमाम बहरानों का फौरी हल है, दो सूबों की बजाय एक ही दिन तमाम इंतखाब कराए जाएं। इमरान खान का मुतालिबा, कहा इलेक्शन मुहिम का आगाज आइंदा हफ्ते से करेंगे, इस बार सबको टिकट मैं खुद दूंगा, जिनको टिकट ना मिला उनको बलदियाती इलेक्शन में टिकट देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब 40 से ज्यादा शहरों में वीडियो लिंक पर दिखाया गया। जमान पार्क पर कारकुनान की बड़ी तादाद खिताब सुनने पहुंची। लाहौर हवेली, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर और कराची समेत कई शहरों में हजारों अफराद ने बड़ी स्क्रीन पर कप्तान को लाइव देखा और सुना। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को खतूत लिखने का फैसला, सेक्रेटरी दिफा और हाई कोर्ट को खत लिखे जाएंगे। इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के खर्चात आएंगे। इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान पहिया जाम की कॉल देंगे। शेख रशीद कहते हैं कि डबल गेम खेलने वाले 3 रहनुमाओं को इमरान खान को पता लग गया। सदर आरिफ अलवी एक ही दिन आम इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं, 10 से 15 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो भी जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। हक और सच की आवाज, बोल न्यूज आवाम की जबान बन गया। शहरियों का बोल न्यूज से इजहार मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज, माइक को चूम लिया। समी इब्राहिम फिजाली खान के हक में नारे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर शहर इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो हमारा मकसद था मुल्क में शफाफ इंतखाबात का हसूल, वो पाया तकमील को पहुंचा। हक और सच की फतह, जेल भरो तहरीक में कैद तमाम अफराद को रिहाई मिल गई। रिहा होने वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में गुफ्तगू, कहा मुल्क डूब रहा है, ये इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, महंगाई का जिन इनसे काबू नहीं हो रहा। असद उमर बोले कि पाकिस्तान को हकीकी आजादी मिलने वाली है। आजम सवाती ने कहा कि इमरान खान हकीकी जमहूरियत ला रहे हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमात असेंबली के बाहर, वजीर आजम ने राजा रियाज से मुशावरत करके चेयरमैन नैब लगा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने चेयरमैन नैब होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि चेयरमैन नैब की तकरूरी का अमल मुतनाज़े है, अदालत हमारे इस्तीफे मुअत्तल कर चुकी है। हकीकी अपोजिशन लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं। कराची में काला पुल के करीब ट्रेन हादसा, पिशावर जाने वाली खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे जराये के मुताबिक खैबर मेल रवानगी के चंद मिनट बाद ही हादसे का शिकार हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस ट्रेनों की रवानगी में ताखीर का सामना रहा, दूसरा कोच लगाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया। सरगोधा जलसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तौहीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ सेशन अदालत लैया में दरख्वास्त दायर। 24 फरवरी को शिकायत की, पुलिस ने मुकदमे से गुरेज किया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। शहरी की दरख्वास्त, सुलेमान शहबाज से इजहार यकजहती के लिए आने वाले लीगी कारकुन से बदसलूकी, सुलेमान शहबाज ने गुलदस्ता वसूल करने से इनकार कर दिया। कारकुन का कहना है कि हमजा और सुलेमान हमारे दिल में बसते हैं मगर मुझे धक्के दिए गए। हजरत अली का कॉल है,
जो बड़ा मशहूर है और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफर का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने अपनी मुदई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के कोचेयरमैन शुएब शेख का सवाल कहा, केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा, एग्जेक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुदमुख्तारी और अदलिया की आजादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा आवाम की अदालत में पेश कर दिया। पीआईए का हज 2023 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन और प्राइवेट हज के लिए किरायों का ऐलान। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक प्राइवेट हज के लिए जाने वाले आजमीन के लिए किराया $870 से लेकर $1180 तक मुकर्रर कर दिया। खुद शुमारी की तारीख में 10 मार्च तक की तौसी कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक तारीख में तौसी सूबों की तजावीज पर हुई। पहले ब्लॉक की खाना शुमारी का अमल 5 मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स का पाकिस्तान सुपर लीग 8 में धमाल, प्लेऑफ मरहले में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से शिकस्त दे दी। 181 रन के ताकुब में रिजवान 11 159 रन ही बना सके। की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। अगर आपने कलंदर्स के खिलाफ जीतना है तो सबसे पहले तो आपको इनको 200 रन नहीं करने देना सर, क्योंकि 145 पे भी मैच ये टीम जीत सकती है, ऊपर से घर में खेल रहे हैं। सो ये कम्प्लीटली आउटप्ले किया उन्होंने। एक बेशक रेगुलर या इरेगुलर बैटिंग के बावजूद भी कलंदर्स जो है वो 170-180 कर जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते उनका टॉप ऑर्डर। इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। आपको 150-160 पे आपने इनको ढेर कर देना। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात, रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सुहेब अलवी की माहिराना राय, बोल न्यूज पर खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे। उफ क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। कोचेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, एग्जेक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जेक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है, फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी, आईन में मौजूद इंफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, मुतल्लिका जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं, बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म, बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।